नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ टुडे। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलने के बाद सांसद संगम लाल गुप्ता अपने समर्थकों के साथ प्रतापगढ़ पहुंचे, तो सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ सांसद ने जुलूस निकाला और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ जगह जगह पर उनका भव्य स्वागत किया। दूसरी तरफ सांसद संगम लाल गुप्ता के खिलाफ पोस्टर चस्पा कर चुनाव में विरोध करने की चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि पट्टी विधानसभा क्षेत्र में सांसद संगम लाल गुप्ता के खिलाफ कई जगहों पर पोस्टर चस्पा किए गए हैं, जिसमें भू माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया गया है। चेतावनी भरे पोस्टर में लोकसभा चुनाव में सांसद का विरोध करने की धमकी भी दी गई है। पट्टी तहसील क्षेत्र के अमरगढ़, गौरा माफी, ढकवा, रामगंज, आसपुर, दोसरा सहित कई स्थानों पर पोस्टर चिपकाए गए हैं। पोस्टर में लिखा है कि सांसद किसान विरोधी है, इस बार चुनाव में इसके दांत खट्टे कर देंगे, जिसकी चर्चा इलाके में जोरों शोरों से। पोस्टर में एक और व्यक्ति की फोटो लगी है, जिसे सांसद संगम लाल गुप्ता का करीबी बताते हुए आरोप है कि उसने राजकीय बीज गोदाम पर अवैध कब्जा कर लिया है। इधर सांसद संगम लाल गुप्ता ने कहा है कि विपक्षियों का षड्यंत्र है, पूरा जिला इस बात का गवाह है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को मैं संरक्षण नहीं देता हूं। लेकिन यह पोस्टर इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। अब यह देखने वाली बात होगी कि जब वह पट्टी विधानसभा के इन क्षेत्रों में आते हैं जहां जहां पे पोस्टर लगाए गए हैं, तो उनका किस प्रकार से विरोध होता है जो उस पोस्टर में दावा किया गया है, और इसमें बात में कितनी सच्चाई है, यह जांच का विषय है। तो साथियों, आप आगे देखिएगा, जब सांसद संगम लाल गुप्ता प्रतापगढ़ पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके आपको। सबसे पहले आगे देखिए पूरी रिपोर्ट। नेतृत्व का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और हमारी क्षेत्र की देवकुल जनता के चरण छूकर मैं प्रणाम करता हूं, और अपने कार्यकर्ताओं को भी मैं उनका भी चरण छूकर प्रणाम करता हूं कि आज जिस जोश के साथ उनका हमारे आगमन पर कार्यकर्ताओं द्वारा हमें स्वागत किया जा रहा है, मैं उनका ये जो स्वागत है, ये कार्यकर्ता का स्वागत है, निरंतर मैं कार्यकर्ता बनते ही काम करूंगा, उनका सम्मान कहीं घटने नहीं पाएगा, तो मैं अपने कार्यकर्ताओं को विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ। जय 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 देखिए, मोदी का ही परिवार है, ये देख रहे हैं, कार्यकर्ता मोदी का परिवार है, जनता मोदी का परिवार है, 140 करोड़ की जनता ये मोदी की ही परिवार है, और उन्हीं की परिवार का ही नतीजा है कि आज जिस तरीके से उनका परिवार हमारा स्वागत कर रहा है, मैं उस स्वागत से धन्य हो गया हूँ। सांसद संगम लाल गुप्ता का परिवार है, मोदी जी का परिवार है, और संगम लाल खुद भी मोदी जी के परिवार है। कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, स्वागत किया है, मैं उनको बारम्बार धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि कार्यकर्ताओं की बदौलत ही मैं विधायक बना, सांसद बना। शीर्ष नेतृत्व ने हमारे ऊपर भरोसा जताया, इसके लिए बारंबार कार्यकर्ताओं को हृदय की गहराइयों से मैं स्वागत कर रहा हूँ। देखिए, हर दल है, कोई न कोई उनका प्रत्याशी लड़ेगा, मगर उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। कार्यकर्ताओं में जो जोश आपने देखा, इतना बड़ा हुजूम आपने देखा, तो उसका नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में रामराज है, और मोदी जी का परिवार मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिल्कुल इंतजार कर रही है।